आपके बाल छोटे हो लंबे हो, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपके बाल कितने हैप्पी हैं, कितने खुश हैं, कितने हेल्दी हैं। सो या हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल मी। मैं हूं शालिनी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही इजी स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं शैम्पू से पहले और शैम्पू के बाद, जिससे आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके बालों में इस विंटर्स डैंड्रफ कब्जा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम रेडी करने वाले हैं एक इन्फ्यूज़न ऑयल, जो कि हमारे बालों के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये स्टेप आपको शैम्पू से एक दिन पहले करना है, जिसके लिए आपको चाहिए होगा प्याज और लहसुन। आप हेयर के अकॉर्डिंग, अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा अमाउंट। और आपको चाहिए होगा कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। हाई फ्लेम पर प्याज और लहसुन को अच्छे तरीके से भूनने देना है, जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करना है और अच्छे तरीके से उसे छान लेना है। ऑयल को ठंडा होने के लिए रख देना है। ल्यूक वॉर्म रहे तभी हमें अपने बालों में अच्छे तरीके से पार्टीशन करते हुए लगाना है। अपने स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से कवर करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे अच्छे तरीके से आपको लगाना है और बहुत ही अच्छे से मसाज करना है। ऐसे बालों को नीचे करके भी आप पीछे के साइड में लगा सकते हैं और बहुत ही आराम से अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज करना है, ताकि जो ऑयल की गुडनेस है आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कॉम, डिटेंगल कर रही हूँ अपने हेयर्स को और एक चोटी बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग यू गाइज, इट्स मॉर्निंग 8 AM और हम जस्ट आई जस्ट वोक अप और अभी मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्टेप करने। तो ये स्टेप करने से पहले आप पीछे फॉग देख रहे हो, इट्स 8 डिग्री सेल्सियस टुडे। तो आज हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप नेक्स्ट स्टेप तभी करना जब आपके यहाँ धूप निकली हो। ठंड में रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। धूप में मैं बैठूँगी ये नींबू लगाकर अपने स्कैल्प में, तो यही आपको भी करना है। सिमिलरली आप जब धूप रहे अपने बालों के स्कैल्प में अच्छे तरीके से नींबू को रब कर लीजिए और आधे घंटे तक छोड़ दीजिए, मैक्सिमम 1 घंटे तक आप छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद आपको शैम्पू करना है, ठीक है। आप चाहें तो मॉर्निंग में एक बार फिर से अपने बालों को कंघी कर लीजिएगा ताकि उलझे ना, और फिर उसके बाद नींबू को अच्छे तरीके से अपने स्कैल्प में स्क्रब करिएगा। गाइज आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज़ धूप में बैठना। आप ऐसे रूम में जाओगे या फिर रूम में ठंडी जगह पर रहोगे तो आपको ठंड लग सकती है, आपको कोल्ड हो सकता है, तो प्लीज़ धूप में बैठना। और प्लस नींबू लगाने के बाद आपको हो सकता है स्कैल्प में थोड़ी सी ईचिंग हो, बहुत ज़्यादा हो तो प्लीज़ आप तुरंत से वॉश कर लेना। बियरेबल हो तो आप प्लीज़ आराम से थोड़ा सा वेट कर लेना आधे एक घंटे तक, उसके बाद वॉश करना, क्योंकि जो डैंड्रफ होता है उसको हम दिन भर खुजली वगैरह करते रहते हैं, तो उसकी वजह से नाखून वगैरह लग जाते हैं हमारे स्कैल्प में। जब आप उस पर नींबू लगाओगे, सिट्रिक एसिड उसमें होता है, तो वो आपको थोड़ा सा ईचिंग करेगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक अभी मैंने लगाया, मुझे 2 मिनट हुए, मुझे हल्का सा ईचिंग हो रहा है, तो मैं उसको सह सकती हूँ, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ आधे घंटे तक। मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, मैं कुछ भी ट्राई करती हूँ तो मुझे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो मैं नींबू को लाइक यूज़ करती हूँ हमेशा से, तो मुझे पता है कि मुझे सूट करता है। अगर आपको ऐसा आइडिया हो कि आपको नींबू नहीं सूट करता है, तो प्लीज़ आप रिस्क मत लेना। आप जो भी रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हो उससे अपने बालों को धुल लेना है। फिर लेना है आपको एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा लीव, उसको बीच से ऐसे इक्वल पार्ट में सेपरेट करना है। फिर उसका जो जेल होता है उसको अच्छे से अपने स्कैल्प में रब करना है, आगे पीछे अच्छे से पार्टीशन करके। मुझे इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ होते हैं, इसलिए मैं उस एरिया को बहुत अच्छे से कवर कर रही हूँ। आपको लगाने के बाद एज इट इज़ छोड़ देना है इसको। सो गाइज, ये थे कुछ इजी स्टेप जो मैं फॉलो करती हूँ विंटर्स में, और मेक श्योर करती हूँ कि डैंड्रफ मेरे स्कैल्प में कब्जा ना करने पाए। अभी चल रहा है दिसंबर और अभी तक, ट्रस्ट मी आई स्वेयर, अभी तक मेरे को डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ना ही मैं आगे होने दूंगी, बिकॉज ये सारे स्टेप मैं हर तीसरे चौथे दिन बाद फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मैं मौका ही नहीं देती हूँ डैंड्रफ को कि वो मेरे स्कैल्प पे कब्जा कर पाए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।